चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साइरस मिस्त्री की मौत से केंद्र सरकार ने लिया सबक। देश भर के सभी मौजूदा पुलों पर रेलिंग को क्रेस बैरियर के साथ बदलने पर कर रही विचार। राजस्थान में पाक की चॉकलेटी साजिश। उदयपुर में दुकानों पर बिक रही बीप से बनी मेड इन पाकिस्तान की चिली मिली टॉफियां। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10-10 साल की सजा। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। बिहार के छपरा जहरीली शराब कांड में हुआ बड़ा खुलासा। थाने से चोरी हुई स्प्रिट के कारण गई लोगों की जान। यूपी में अब यूं ही नहीं मिलेगी छुट्टी। योगी सरकार ने बदला टीचर्स की छुट्टियों का लेखा जोखा। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जर्सी पर नहीं दिखेगा बायजू। खत्म हो सकती है स्पॉन्सरशिप डील। गांबिया बच्चों की मौत। केंद्र सरकार ने मेडन फार्मा को दी क्लीन चिट। कहा कंपनी के कप सिरप में कोई कमी नहीं। लादेन को पालने वाले देश को उपदेश देने का हक नहीं। यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। लोहा पुरुष सरदार पटेल की बहत्तरवीं पुण्य तिथि पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गलवान के बाद चीन से बढ़ा आयात। तवांग मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में मची भगदड़। 3 महिलाओं की मौत। टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। तालिबान सरकार म्यांमार सेना सरकार को इस बार भी संयुक्त राष्ट्र में मान्यता नहीं मिली। हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ के प्रबंध पर मंथन। शीर्ष अफसरों ने बैठक में खोजे उपाय। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ याचिकाओं पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शेयर बाजार में चौतरफा कोहराम। सेंसेक्स 878 अंक लूटकर निवेशकों के एक दिन में 3 लाख करोड़ डूबे। झारखंड में रेल अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा अवैध खनन। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। बॉर्डर पर हुड़दंग के बाद हर बार चीन को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। पूर्व सेना प्रमुख ने कही बड़ी बात। नीतीश सरकार पर फिर बरसे चुनावी रणनीतिकार। प्रशांत किशोर बोले सिर्फ सफर तक सीमित है शराबबंदी। तेजस्वी संघ भाजपा को भी लपेटा। हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भारत आना हुआ तय। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने के आवेदन को किया खारिज। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 17 साल बाद मिली जमानत। रुद्रप्रयाग में कार्डियक केयर यूनिट की हुई स्थापना। केदारनाथ यात्रा करने वालों को मिलेगा फायदा। शिवसेना के सिंबल मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला रखा। सुरक्षित चुनाव आयोग ने फ्रीज किया था तीर कमान। INS विक्रांत चीटिंग मामले में बीजेपी नेता किरण सोमया को मिली बड़ी राहत। मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। SBI के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। हो मोटो सहित सभी लोन हुए महंगे। बढ़ जाएगी आपकी EMI। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर अपने करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद से ही तय हो गया था कि अब सभी बैंकों का कर्ज महंगा हो जाएगा। इससे पहले भी निजी और सरकारी क्षेत्र के कई बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। अब SBI ने MCLR में 0.25% की बढ़ोतरी की है। SBI की वेबसाइट के सभी टेन्यूर वाले लोन की ब्याज दरों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है। अब बैंक की एक साल की MCLR बढ़कर 8.30% पहुंच चुकी है। बैंक अपने होम ऑटो सहित ज्यादातर लोन की ब्याज दर इसी MCLR के आधार पर तय करता है। इससे पहले RBI ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर प्रभावी रेपो रेट 6.25% कर दिया था। RBI के इस फैसले के एक सप्ताह बाद ही SBI ने अपना कर्ज महंगा कर दिया। बैंक ने छोटी अवधि वाले कर्ज पर भी ब्याज दर बढ़ा दी है। इसमें ओवरनाइट से लेकर 6 महीने तक का समय शामिल है। टेन्यूर के लोन का MCLR अब 7.85% से लेकर 8.30% तक हो गया। इसके अलावा 2 साल की अवधि वाले कर्ज का कोस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट 8.50% हो गया, जबकि 3 साल के कर्ज की दर 8.60% पर पहुंच गई। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि अभी SBI के पास 3.5 लाख करोड़ की ज्यादा नकदी है, जिसका इस्तेमाल कर्ज बांटने में किया जाएगा।